मित्रों नमस्कार, मैं हूं मनोज लांबा और आप देख रहे हैं टैक्स की पाठशाला। आज रविवार के दिन हम इनकम टैक्स में हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव की चर्चा करने के लिए यह वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, जब से एनडीए की यह सरकार 2014 में भारतवर्ष में आई है, तब से टैक्स लॉस, चाहे वो इनकम टैक्स हो या अन्य कोई कर कानून हो, वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक और वाइब्रेंट लॉ हो गई है। आज के समय में एक प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन विभिन्न प्रकार के टैक्स बदलावों के साथ वो अपने आप को अपडेट कैसे रखें। कोई भी टैक्स प्रोफेशनल आज अपने आप को इस मोस्ट वाइब्रेटिंग वर्ल्ड में अपडेट रखने की समस्या महसूस कर रहा है। टैक्स बदलाव इतने ज्यादा होने लग गए हैं कि उन्हें समझ पाना और लोगों को समझा पाना और सही सही गाइड कर पाना अपने आप में समस्या का एक विषय बनता जा रहा है। इसी बदलावों की मुहिम में एक महत्वपूर्ण बदलाव की चर्चा पिछले काफी समय से हो रही थी कि इनकम टैक्स की सारी प्रोसीडिंग्स ई प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी। आपको किसी भी कार्य के लिए इनकम टैक्स ऑफिस में जाने की या इनकम टैक्स ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यह मानना है कि देश में करप्शन इसलिए है कि कोई भी एसएससी जब जब आयकर ऑफिसर से मिलता है तब तब वो रिश्वत या करप्शन को बढ़ावा देता है। इस रिश्वत और करप्शन को मिलने का एक ही तरीका उन्होंने सुजेस्ट किया कि जितना कम इनकम टैक्स अधिकारी और एसएससी आपस में मिलेंगी उतनी ब्लैक मनी, उतनी करप्शन कम होगी, ऐसा एनडीए गवर्नमेंट का मानना है। इसी उद्देश्य को अचीव करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स असेसमेंट को ई मोड में करने की बात की। काफी समय पहले उन्होंने इनकम टैक्स की एक सम्मेलन के दौरान ये बात की थी कि हमारा 1961 का इनकम टैक्स अब बहुत पुराना हो चुका है, इसे आज बदलने की जरूरत है। आज के इस डिजिटल युग में इसे भी डिजिटल बनाने की जरूरत है। हमें सारी की सारी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स, असेसमेंट और अन्य कार्रवाई ऑनलाइन करने की जरूरत है। इसी दशा में सरकार ने एक सुजेशन दिया था उस समय कि इनकम टैक्स की सारी असेसमेंट नेमलेस एंड फेसलेस हो जाएगी। नाम सुनते ही हैरानी होने लगती है, इनकम टैक्स का नोटिस, इनकम टैक्स की असेसमेंट, और वो भी नेमलेस और फेसलेस। ना एसएससी को एओ का पता, ना एओ को एसएससी का पता, ना एओ को पता कि किसकी असेसमेंट हो रही है, ना एसएससी को पता कि कौन से एओ को अप्रोच करना है। तो हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स का उस समय ये मानना था कि ये मात्र एक सपना है और ये सपना ही रह जाएगा, सरकार इसे कभी भी हकीकत में नहीं ला पाएगी, हिंदुस्तान से करप्शन खत्म नहीं हो सकती और कुछ भी सरकार कर ले, कैसा भी सिस्टम ले आए, हमारी असेसमेंट्स कभी भी ई असेसमेंट्स नहीं हो पाएंगी। इसी उम्मीद के सहारे हम प्रोफेशनल्स जिए जा रहे थे। मैंने पहले भी कई सेमिनार्स के दौरान अपने प्रोफेशनल्स को ये कहा है कि अगर कुछ करने की इच्छा हो किसी सरकार में तो कुछ भी संभव है।
आज मोदी सरकार ने उसी सपने को साकार करते हुए पूरे भारतवर्ष में इस बजट में जो 5 जुलाई को पेश किया गया था, बात कही गई थी कि हम संपूर्ण भारतवर्ष में ई असेसमेंट्स को लागू कर देंगे, जिसमें किसी भी असेसी को किसी भी कार्य के लिए इनकम टैक्स अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह का कानून बना देंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर भी किसी असेसी को अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बाध्य नहीं कर पाएगा। जो अनाउंसमेंट इस साल के आम बजट में की गई थी श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा, जो हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर है, उसी बात को जामा पहचानते हुए सरकार ने अब ई असेसमेंट की फॉर्मल स्कीम लॉन्च कर दी गई है। इस संदर्भ में स्कीम नोटिफाई हो चुकी है दोस्तों, 12 सितंबर 2019 दोस्तों याद कीजिए, 12 सितंबर 2019 को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके द्वारा ई असेसमेंट स्कीम को नोटिफाइड किया गया। अब इस ई असेसमेंट स्कीम आ जाने के बाद यह लगभग तय है कि भारतवर्ष में इनकम टैक्स से रिगार्डिंग जो भी असेसमेंट होंगी वो ई मोड में होंगी, क्योंकि हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण पहले ही अपने प्रेस नोट में, प्रेस रिलीज में यह बात कंफर्म कर चुकी हैं कि इस ई असेसमेंट स्कीम का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 8 अक्टूबर विजयदशमी के दिन करेंगे। सरकार का यह मानना है कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाए जाने वाला त्यौहार है। इस दिन श्री रामचंद्र ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की थी। तो मोदी जी का भी यही मानना है कि इससे अच्छा दिन भारत में इस नई शुरुआत को करने के लिए नहीं हो सकता, इसलिए सरकार ने जो दिन चुना है वो विजयदशमी का है और 8 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारतवर्ष में ई असेसमेंट की स्कीम लागू हो जाएगी। ये ई असेसमेंट की स्कीम किस तरह से काम करेगी इसके लिए मैं बहुत जल्दी ही अपना अगला वीडियो आप लोगों के साथ रिलीज करूंगा। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है, आपके लिए ज्ञानवर्धक रही है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस स्कीम से लेकर आपके जितने भी सवाल हैं मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तब तक आप कीजिए कि इंतजार कि ई असेसमेंट स्कीम कैसे काम करेगी। बहुत जल्दी ही मैं अपना अगला वीडियो रिलीज करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए मनोज लांबा का आपको प्यार भरा नमस्कार।